हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं हफ्ते में दो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए माफ़ करेगा, तीन वीडियो मैं नहीं बना पा रहा कुछ दिन के लिए, तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, बात यह है कि आज का जो वीडियो होने वाला है, वो वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही तरीका, ठीक है फ्रेंड्स? बहुत ही मतलब मज़ा वाला तरीका, ठीक है? मतलब एक्चुअली इसमें मैं क्या सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, कि आपका जो भी पेन ड्राइव या एसडी कार्ड, ठीक है, अभी तो मेरे पास दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यूएसबी है, यानी कि पेन ड्राइव। बट अगर आप लोगों के पास एसडी कार्ड हो या पेन ड्राइव हो, दोनों में से कोई भी हो, मैं जो तरीका बदलाऊंगा वो दोनों पर ही अप्लाई होगा। और उस तरीके में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एक खराब पेन ड्राइव या एसडी कार्ड को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पेन ड्राइव चलते चलते वर्क करना बंद कर देता है, या कभी ऐसा होता है कि हम पेन ड्राइव खरीद के लाते हैं और उसके बाद फिर वो काम नहीं करता पैकेट खोल देने के बाद, और ना उसको फिर वापस हम उसको दे सकते हैं दुकानदार को, और ना कोई कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत समस्याएं आती है फ्रेंड्स, और विशेषकर तब जब आप कोई भी पेन ड्राइव ऑनलाइन मंगाएं, ठीक है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, बेसिकली होता क्या है कि पेन ड्राइव ठीक करने से पहले हमें समझना होगा कि पेन ड्राइव काम कैसे करता है, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में कंप्यूटर जो है वो अपना लैंग्वेज समझ सकता है, यानी कि कंप्यूटर का लैंग्वेज। अब हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर साइंस से पढ़े हुए हैं उन लोगों में बोलता हूँ कि सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, जीरो एंड वन का, ठीक है फ्रेंड्स? अब हमारे पास जो भी वीडियो डिस्प्ले होता है, कोई भी आइकॉन डिस्प्ले होता है, यानी कि कोई फोटो डिस्प्ले होता है, कुछ भी डिस्प्ले होता है, वो सब होता है एक कोडिंग पे, ठीक है? कोडिंग पे, जीरो एंड वन के जो कोडिंग होता है उस पे होता है। ये जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ इसका आउटपुट है, बट इसका हम जब कोडिंग देखेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा इसका इतना पेचीदा कोडिंग होता है, ठीक है फ्रेंड्स? अब हम जो वीडियो देख रहे होते हैं, एक्चुअली वो भी एक कोडिंग किया जाता है, और कंप्यूटर उसको डिकोड करके और एज अ वीडियो या ऑडियो उसको प्ले करके दिखाता है। अब क्या होता है कि हर फाइल का एक अपना फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट को कंप्यूटर में डिस्प्ले करने के लिए कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में, कंप्यूटर के पेन ड्राइव में या मेमोरी कार्ड में कुछ फाइल्स होते हैं। इसी वजह से जब भी हम 32 GB का पेन ड्राइव खरीदते हैं तो हमें मिलता है सिर्फ 29 GB, 16 GB का खरीदते हैं तो 14 GB, और 4 GB का खरीदते हैं तो 3 कुछ कुछ GB, और इसी जगह पे 8 GB का खरीदते हैं तो 7 GB मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो हमें कभी भी पूरा नहीं मिलता, क्योंकि पूरा जो होता है उसमें से कुछ जगह जो है वो फाइल्स मतलब रहती है, और फाइल्स ऐसी होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए बनी होती है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो फाइल्स वहाँ पे भरी गई है कंप्यूटर को डिकोड करने के लिए, वो फाइल्स या तो खराब हो जाती है, या तो किसी गलत ऑप्शन के वजह से डिलीट हो जाती है, या वो कंप्यूटर की तरफ से भरी हुई आती ही नहीं है, सॉरी कंपनी की तरफ से, या कंपनी की तरफ से अगर भरी हुई आती भी है तो वो फाइल काम नहीं करती, या वो फाइल ही ऐसी होती है जो कि हमारा कंप्यूटर समझ नहीं पाता, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज होता है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मेरा पेन ड्राइव में क्या समस्या है, चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने से पहले मैं अपना पेन ड्राइव जो इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखा फ्रेंड्स, आप लोग को पता चल गया कि कैसे मेरा जो पेन ड्राइव वो लग चुका है। अब मैं यहाँ पे विंडोज प्लस ई प्रेस करता हूँ फाइल एक्सप्लोरर के लिए। फाइल एक्सप्लोरर विंडो आइकन लिस्ट फ्रीक्वेंट फोल्डर्स ग्रुपिंग एक्सपेंडेड डेस्कटॉप नॉट सिलेक्टेड रो 1 कॉलम 1 ऑफ 29। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट टैब प्रेस करके प्रीव्यू लेवल 0 क्विक एक्सेस यू प्रेस करता हूँ अपने यूएसबी ड्राइव पे जाने के लिए। यू लेवल 2 यूएसबी ड्राइव डी कलेक्ट 9 ऑफ 11। अब मैं जैसे ही इस पे एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए इंसर्ट दिस डायलॉग प्लीज इंसर्ट दिस इनटू यूएसबी ड्राइव डी कैंसिल बटन प्लीज इंसर्ट आवर डिस्क इनटू यूएसबी ड्राइव। ओके, यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि एक कोई भी ये जो यूएसबी जो ड्राइव है इसमें कोई डिस्क इंसर्ट कर, ठीक है? अब पेन ड्राइव वाला हम क्या डिस्क इंसर्ट कर सकते हैं, तो इतना समझने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट ये समझिए कि जो भी इस पेन ड्राइव में जो फाइल्स हैं वो खराब है या तो है ही नहीं, ठीक है? इसलिए हमारा जो कंप्यूटर है वो इसको पहचान नहीं पा रहा। मेरे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इंसर्ट डिस्क
किसी के यहाँ पे दिखाएगा कि किसी के यहाँ पे काम ही नहीं करेगा पेन ड्राइव, तो किसी के यहाँ पे दिखाएगा कुछ और चीज़ें जैसे कि करप्ट हो गया है या कुछ भी है वायरस वगैरह वगैरह। उस हालात में हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसको हम फॉर्मेट करके देखते हैं, ठीक है। चलिए हमने इसको डाउन रिप्लेस करता हूँ। AMD rate expand open new pin device there new phone open this portable scan select include like pin to start the archive compress anemic compress the share folders format A format पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब देखिएगा file explorer window preview USB drive D format USB drive D dialog start button alt plus S वैसे format करते समय एक बार tab press करिएगा close button alt plus capacity combo box unknown capacity collapse alt plus D file system combo box fat default collapse alt plus F इसका जो file system है वो fat के जगह पे NTFS रख दीजिएगा NTFS और टैप प्रेस करिएगा। एलोकेशन यूनिट साइज कॉम्बो रिस्टोर डिवाइस डिफॉल्ट बट नोट प्लस वॉल्यूम लेबल एट प्लस फॉर्मेट ऑप्शंस ग्रुप इन क्विक फॉर्मेट स्टार्ट बट नोट प्लस स्टार्ट फॉर्मेट यूएसबी ड्राइव डी डायलॉग वन इन फॉर्मेटिंग विल रिजॉल्व डेटा ऑन दिस डिस्क फॉर्मेट द डिस्क क्लिक ओके क्लिक क्लिक कैंसिल ओके बटन उसके बाद टैप प्रेस करते हैं कैंसिल बट ओके बटन फॉर्मेट यूएसबी ड्राइव डी डायलॉग विंडोज वाज अनेबल टू कंप्लीट द फॉर्मेट ओके बटन। अब यहां पे क्या बोला कि विंडोज वाज अनेबल टू कंप्लीट फॉर्मेट, ठीक है। अब देखिए हम यहां पे फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, अब हम क्या करेंगे। तो यही मान लीजिए कि पेन ड्राइव खराब हो चुका है, अब इसको फेंक दे। चलिए अच्छा फेंकना ही है, तो इसको एक बार अच्छे से खराब करके देखते हैं कि ये कितना खराब हो सकता है। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि ये जो खराब पेन ड्राइव है इसको हम कैसे बना सकते हैं। अब ना इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं, ना हम इस पे एंटर प्रेस करके कुछ फाइल देख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक इसका जो एक ये जो यूएसबी ड्राइव है इसमें जो कुछ फाइल्स थी इसका जो कुछ पार्टीशन था वो खराब हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पेन ड्राइव का जो खराब पार्टीशन है इसको हम अलग कर देंगे और जो अच्छा पार्टीशन बच गया है उसको हम यूज करके और हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। मेरा यहाँ पे 32 GB का, ठीक है, 32 GB का यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव है और मुझे मिला यहाँ पर 29.5 GB। अब मेरा जो है ये खराब है, अब मैं इसका कुछ स्पेस ले लूँगा, कुछ स्पेस को मैं अलग कर दूंगा और बाकी सारे स्पेस को मैं यूज़ कर दूंगा, ठीक है, और यूज़ करके इस पेन ड्राइव को मैं ठीक करूँगा। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऐसे मैं आप लोगों को तरीका बताने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर हो सके जिसको पेन ड्राइव को रिटर्न करके ही वापस लाइएगा नया पेन ड्राइव, अच्छा वही आप लोगों के ज़्यादा अच्छा क्योंकि बनाया हुआ चीज़ तो हमेशा बनाया हुआ रहता है कि नहीं फ्रेंड्स। ओके तो अब यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ विंडोज की, ओके अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CMD CMD command prompt desktop। अब यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ एप्लीकेशन की run as administrator 1-4 और एक बार डाउन और प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे आप लोगों को प्रेस करना है run as administrator enter user account control। अब यहाँ पे यूजर अकाउंट में आप लोगों को alt plus y पर प्रेस करके यस कर देना है। what taskbar command prompt terminal plan microsoft windows version 10.0.17134.1 c windows system version 32 अब यहाँ पे आप लोगों को ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ कमांड्स टाइप करनी पड़ेगी जो मैं आप लोगों को बोलूंगा। तो सबसे पहला कमांड है डिस्क पार्ट diskpart विदाउट स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दो डिस्क, ठीक है, एक है जीरो जिसका स्टोरेज है 900 GB, ये हमारा जो जीरो डिस्क है ये हमारा हार्ड ड्राइव, ठीक है, और सेकंड जो है वो डिस्क वन जिसका आप लोग देख सकते हैं 29 GB का ये पेन ड्राइव है, ठीक है। तो आप इसका एक नंबर तो आप इसका पता लगा सकते हैं इसके स्टोरेज से या इसका कैपेसिटी से, और एक पता लगा सकते हैं इसके नंबर से। तो मैं नंबर से नहीं पता लगा ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप इसका जो इसका जो कैपेसिटी है स्टोरेज का वो पता लगाइए। तो मेरे केस में जीरो जो है वो हार्ड डिस्क है और वन जो है वो पेन ड्राइव है। और याद रहेगा फ्रेंड्स जीरो को कभी सिलेक्ट मत करिएगा, हमेशा वन को करिएगा क्योंकि वन जो है वही आपका एक्सटर्नल ड्राइव होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं एक कमांड और टाइप करूँ, इसका नाम है सिलेक्ट S-E-L-E-C-T
स्पेस सेलेक्ट स्पेस डी आई एस के डी आई एस के डिस्क डिस्क स्पेस स्पेस और वो नंबर जो नंबर पे आपका पेन ड्राइव है। तो यहाँ पे मेरे डिस्क वन नंबर पे मेरा जो है वो पेन ड्राइव यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे वन लिखता हूँ। तो सिलेक्ट स्पेस डिस्क स्पेस नंबर वन और एंटर। This one is now selected disk. Disk for creator. तो यहाँ पे क्या बोला? Disk now, disk one is now selected disk. ठीक है? यानी कि अब मैं जो भी कमांड यहाँ अप्लाई करूँगा वो सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा। ठीक है? अब हमें यहाँ पे लिखता हूँ एक बार clean. 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 और यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। हो रहा है When. Disk part succeeded in cleaning the disk. Disk for creator. Okay. तो अब यहाँ पे बोल रहा है disk parts succeeded cleaning disk. Okay. यानी कि हमारा जो पेन ड्राइव वो फॉर्मेट हो चुका है एक बार. ठीक है? विंडोज से हम देखिए वहां से नहीं कर पाए थे, बट कमांड प्रॉम्प्ट से हम कर लिए. कमांड प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा अच्छा है एक चीज है. अब यहाँ पे मैं Alt F4 प्रेस करके और कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करता हूँ. ये कमांड था यूएसबी को फॉर्मेट करने के लिए. अब इसका हम एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, यानी कि हमारा जैसे कि हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ, उसी तरह हम यूएसबी का भी हम इसमें पार्टीशन क्रिएट करेंगे. ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको रन कमांड ओपन करना होगा, यानी कि विंडोज प्लस आर प्रेस करना होगा. Run dialog, type the name of the program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open combo box collapse, head alt plus O selected CMD. When selection removed. Okay. अब यहाँ पे आप लोगों को एक कमांड टाइप करना है जिसका नाम है disk disk mg mg mt mt यानी कि डिस्क मैनेजमेंट डिस्क मैनेजमेंट msc msc एंटर. टेक्स्ट अवेलेबल डेस्कटॉप लिस्ट ऑडेसिटी डिस्क मैनेजमेंट लेवल 0 डिस्क मैनेजमेंट 101. अब यहाँ पे हमारा डिस्क मैनेजमेंट का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है विंडो. अब थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद ये बोलेगा था, तो वहाँ पे थोड़ा वेट करेगा. यहाँ पे List C, layout, simple type, okay. अब यहाँ पे एक बार आप लोग टैप प्रेस करेगा. Graphical view table, disk 0, region 2, volume label, colon, not set, drive letters. अब यहाँ पे download प्रेस करेगा एक बार. Disk 1 row header capacity, 29.25 feet. Yeah, अब disk 1, okay. अब disk 1 में आप लोगों क्या करना होगा, यहाँ पे right row प्रेस करना होगा. Disk 1, region 1, volume label, colon, not set, drive letter, not set, file system, not set. अब यहाँ पे आप लोगों को application key प्रेस करना होगा. Context menu. और एक बार download प्रेस करना होगा. New simple volume, I. न्यू सिंपल वॉल्यूम पे आप लोगों को क्लिक करना होगा. न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड डायलॉग दिस विजार्ड हेल्प्स यू क्रिएट अ सिंपल वॉल्यूम ऑन द डिस्क. अ सिंपल वॉल्यूम कैन ओनली बी ऑन द सिंपल डिस्क. टू कंटिन्यू क्लिक नेक्स्ट. वेलकम टू द न्यू सिंपल वॉल्यूम. अब यहां पे आप लोगों को टैप प्रेस करना है. कैंसिल बटन, नेक्स्ट ग्रेटर बटन, माउस प्लस एन, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है. न्यू सिंपल वॉल्यूम विजार्ड प्रॉपर्टी पेज मैक्सिमम डिस्क स्पेस एन एमबी 29950 मिनिमम डिस्क स्पेस एन एमबी 8 सिंपल वॉल्यूम साइज एन एमबी एंड माउस प्लस सिलेक्टेड 29950. अब यहां पे आप लोगों को ये जो वॉल्यूम यानी कि ये जो यूएसबी ड्राइव का जो पार्टीशन आप करने जा रहे हैं, इस पार्टीशन का आप लोगों को साइज डिफाइन करना होगा. ठीक है? तो ये MB में है, तो ये MB में मैं यहाँ पे 29,950 तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो साइज है वो है 29,950. तो मैं यही रखूंगा, उसके बाद एक बार टैप प्रेस करूंगा. और एक बार नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे. अब यहाँ पे एक है असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर. ये इसी को आपको चेक रखना है. अगर चेक नहीं तो इसको एक बार चेक कर दीजिए रेडियो बटन को. ड्राइव लेटर असाइन टू फॉलोइंग ड्राइव लेटर रेडियो बटन चेक आउट क्लोजर. और यहां पर टैप प्रेस करिएगा. ड्राइव लेटर कॉम्बो बॉक्स कोलैप्स. अब ड्राइव लेटर में आपको भी सेलेक्ट कर दीजिएगा. तो चलिए मैं यहां पे डी प्रेस डी सेट करता हूं. डी एच डी ए डी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच डी ए डी एच. चलिए मैंने इसको एच पे रख दिया. ठीक है? एच अच्छा है. लेट्स बैक अप द सिंपल वॉल्यूम विजार्ड प्रॉपर्टी पेज ड्राइव लेटर कॉम्बो बॉक्स एच कोलैप्स. एच एक बार टैप प्रेस करेंगे. लेट्स बैक अप माउस प्लस डी नेक्स्ट ग्रेटर बटन माउस प्लस एन. एक बार नेक्स्ट कर देंगे. द सिंपल वॉल्यूम विजार्ड प्रॉपर्टी पेज चूज व्हेदर यू वांट टू फॉर्मेट दिस वॉल्यूम एंड सो व्हाट सेटिंग्स यू वांट टू यूज. फॉर्मेट दिस वॉल्यूम विद द फॉलोइंग सेटिंग्स रीओपन चेक आउट क्लोज. अब यहां पे फॉर्मेट दिस वॉल्यूम विद फॉलोइंग सेटिंग्स, इसको चेक ही रखना आपको. फाइल सिस्टम कॉम्बो बॉक्स एच कोलैप्स आउट क्लोज. और फाइल सिस्टम को आपको एनटी फेसी रखना है, फेड नहीं रखना. ठीक है? टैप एप्लीकेशन यूनिट साइज कॉम्बो बॉक्स डिफॉल्ट कोलैप्स आउट क्लोज. डिफॉल्ट वॉल्यूम लेबल एंड आउट प्लस डी सेलेक्टेड न्यू वॉल्यूम. और यहाँ पे न्यू वॉल्यूम की जगह पे When selection removed. यहाँ पे आप लोगों को लिखना है यू यू या देखिए कैपिटल में लिखना यू एस बी यू एस बी यू एस बी स्पेस और ड्राइव आर आई बी ई ड्राइव. परफॉर्म अ वॉल्यूम लेबल एंड आउट प्लस डी सेलेक्टेड यू एस बी ड्राइव. इसके बाद टैप प्रेस करना है. परफॉर्म अ क्विक फॉर्मेट चेक आउट प्लस डी.
perform a quick format, इसको आप चेक रखिए। Enable file and folder compression checkbox, not check alt plus E. इसको आप not check रखिएगा और check तो not check कर दीजिएगा। Tab. Let's back button alt plus D. Our next. Next creator button alt plus N. Property page, you have successfully completed the new simple volume wizard. You selected the following settings. Completed the new simple volume wizard. The closest wizard. Click finish list. Volume type. Simple. अब यहाँ पे हमारा volume जो है create हो चुका है, यानी कि जो part हमारा खराब था, वो part हट के उसका एक पार्टीशन बन चुका है और वो पार्टीशन बिल्कुल ही अच्छा और स्वस्थ है। इसके बाद एक टैब प्रेस करेगा Let's back button, plus D. Finish button. और फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा। Disk management. Graphical view table. थोड़ा रुकिएगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा। Just wait. Disk 1, region 1, volume label, colon, not set, drive letter, not set, file system, not set, capacity, 29.25 GB, volume layout, simple volume, volume status, not set selected, new notification from autoplay, USB drive, page, select the choose what happens with removable drives, window. तो देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया। जब तक नोटिफिकेशन ना आए आपको छूना भी नहीं है, ठीक है कंप्यूटर को। तो ओके, अब यहाँ पे हम एक बार देख लेंगे। Disk 0, region 1, volume, disk 0, row error capacity, 900, disk 1, row error capacity. अब disk 1 पे हम डाउन अरो प्रेस करके सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे राइट अरो प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम के कॉलम पर चले जाएंगे। Disk 1, region 1, volume label, colon, USB drive, drive letter, H, file system, NTFS, capacity, 29.25 GB, volume layout, simple volume, volume status, healthy, primary partition, selected. अब देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम स्टेटस था वो हेल्दी है, यानी कि हमारा जो पेन है वो बिल्कुल ही करेक्ट काम कर। अब यहाँ पे मैं Alt F4 प्रेस करता हूँ और एक बार पेन ड्राइव को मैं री इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल दिया मैंने और यहाँ पे इंसर्ट वापस से। Notification from autoplay, USB drive, page. Select the choose what happens with removable drives. अब इसको हम Windows plus E press करेंगे File Explorer में जाने के लिए। File Explorer window, preview, quick access. अब यहाँ पे हम USB press करके मैं जाता हूँ अपनी USB drive पे। U level 2 USB drive, page. Collapse 11 of 11. U level 1 USB drive, page. Collapse 3 of 4. यहाँ पे मैं Enter press करता हूँ। देखिए हमारा जो यहाँ पे कोई भी error जो है वो show नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को कोई फाइल जो है वो कट पेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि local disk F, L level 2 local disk C, L local disk E, collapse 9 L local disk F, collapse 10 of 11 level 2. चलिए items new list, applications not select, music 11 of 25. चलिए ये music नाम का एक folder है, नहीं ये बहुत बड़ा हो जाएगा। F, files 5 of 25. files नाम का एक folder है, इसको मैं देखिए copy करूँगा। copy file. और preview local disk F, USB drive H, collapse 11 of. enter. अब एक बार tab press करके यहाँ पे paste कर दूँगा। pick dialog, copy with explorer, but note plus E. 9% complete. 10% complete. Copy and 63 items from local disk F. The USB drive H. USB drive H. Window items new list. Files 1-1. Date modified at 6. Type edit file folder. Date files 1. तो friends आप देख सकते हैं हमारा जो USB drive है वो बिल्कुल ही pen drive जो है बिल्कुल ही अच्छी तरह से काम करने लगा, एकदम ठीक हो गया हमारा pen drive, कोई भी समस्या नहीं है। और ऊपर से बड़ी सी बड़ी फाइल एक सेकंड में कॉपी करके कर देते देता है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा friends कि कितना अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। तो friends मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर में खराब पेन ड्राइव या एसडी कार्ड को एक बार फेंकने से पहले जरूर एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा मेरे बताए हुए तरीके से, ताकि आप लोगों को भी जो है वो मतलब फालतू का पैसा खर्च ना करना पड़े और अच्छा पेन ड्राइव जो कि बन सकता था उसको हम निकाल ना सके। तो इस वीडियो में अभी लेने के लिए अंतिम तक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स सब में शेयर करता है कि सबको ये समस्या से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का सलूशन मिल सके। और तब तक के लिए मेरे चैनल को जुड़े मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए मेरे चैनल पे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।